जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 50वां अध्याय और उसका 21वां वचन। वचन कहता है, तूने ये काम किए और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझा कि मैं तेरे ही समान हूँ। मैं तुझे फटकारूंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ क्रमवार बताऊंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति में अद्भुत शिफा है, तो अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का प्रेम सब्र है, उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका अनुग्रह है, उसकी योजना है, उसके नियम है, उसके प्रेम है। क्यों है? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसने न्याय नहीं किया। अगर वो न्याय करता तो हम कहीं भी नहीं बच सकते थे। कोई भी दुनिया में ऐसा प्राणी नहीं है जो बच सकता, वो सब सजा के हकदार थे। लेकिन उसने न्याय नहीं किया, उसने प्रेम किया, उसने अनुग्रह किया ताकि हम आशीष पाएं और धर्मी बन जाएं। लेकिन कभी कभार वो पाप जो हमारे सर चढ़कर बोलता है, और वो पाप कहता है, शैतान कहता है कि नहीं, तूने कोई गलत नहीं किया है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे मन में घमंड आता है। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर दयालु है और वो हमें माफ़ करता रहेगा हमेशा। लेकिन नहीं दोस्तों, वो वकील बनकर आया है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन न्यायाधीश बनकर भी आएगा। और जब वो न्यायाधीश बनकर आएगा तो हमें फटकारेगा, तब हमारे सामने उस न्याय के पॉइंट्स को रखेगा, उस सज़ा जो हमने किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उनको हमारे सामने रखेगा और बताएगा कि हमने क्या क्या गुनाह किए हैं और क्या क्या हमारी सज़ा है। दोस्तों, हमें अपने आप को वचनों के द्वारा समझाना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना जिनमें यहूदा इस्करियोती था और थॉमा था। यहूदा इस्करियोती जिसको खजानची बनाया था यीशु मसीह जानते थे कि उसका चरित्र क्या है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपनी भलाई उसके साथ करते रहे। यीशु मसीह ने कभी नहीं टोका, उनकी भलाई हमेशा उसके साथ रही। यहूदा इस्करियोती ने महायाजकों और फारसियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, शैतान उसके अंदर था और यीशु मसीह को पकड़वाने में वो आगे रहा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह की भलाई हमेशा उसके साथ रही। और अंत क्या हुआ कि यीशु मसीह की भलाई नहीं, उसके अंदर पश्चाताप की आत्मा डाली, वो रोया, उसने समझा, उसने जाना कि मैंने कितना गलत काम किया है। जब उसके पाप उसके आंखों के सामने आए तो उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, थॉमा जिसको परमेश्वर ने चुना था, जिसको यीशु मसीह ने चुना था, जिसके यीशु मसीह ने उसके सामने मृतों को जिंदा किया, अंधों को दिखाया, पानी पे चले, लेकिन थॉमा जो जिद्दी स्वभाव का था, कठोर स्वभाव का था, यीशु मसीह की भलाई उसके सामने हमेशा रही। यीशु मसीह बताते रहे अपने वचनों के द्वारा, अपने भलाई के द्वारा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। और अंत में यूहन्ना 20 में जब उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं करूँगा जब तक मैं उसके हाथों में छेद नहीं देख लूँगा, यीशु मसीह स्वयं उसके पास आए। यीशु मसीह की भलाई कभी कम नहीं होती मेरे दोस्तों। उन्होंने खुद थॉमा को दिखाया कि ये मेरे छेद देख, ये मेरे हाथ में छेद, ये मेरे पसली में जो निशान है, मेरे अंजन में देख उसको और हाथ डाल ताकि तू विश्वास कर सके, अविश्वासी ना रहे। दोस्तों, परमेश्वर यही चाहता है। वो इसलिए सब्र करता है, वो इसलिए आपको माफ़ करता रहता है, वो इसलिए आपको मौका देता रहता है ताकि आप उससे उलट पलटे। वो हमें मौका देता है लेकिन उसकी भलाई कम नहीं होती है। वो सब्र करता है लेकिन उसकी भलाई कम नहीं होती है। वो हमें बताता है वचनों के द्वारा, हमें चेतावनी देता है लेकिन उसकी भलाई कम नहीं होती है। तो दोस्तों, उसकी भलाई हमारे लिए सदा की है, सदा के लिए उसकी दया है, कृपा है, करुणा है। इसलिए हम उसका फ़ायदा ना उठाएं, हम उसको उसके अनुग्रह का फ़ायदा ना उठाएं। हम ये ना समझें कि परमेश्वर हमेशा यही करता रहेगा, यही सब्र करता रहेगा। नहीं, वो दिन आएगा जब अगर आप नहीं समझे, अगर आप नहीं संभले, अगर आप वचनों के द्वारा नहीं चले, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अगर नया जन्म लेने के बाद भी आपने पाप करना नहीं छोड़ा, तो न्याय आएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को जांचें, समझें, परखें और वो काम ना करें जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम वो काम करें जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जो परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर ने इसीलिए हमें चुना है।
दोस्तों आइए धन्यवाद देते हैं। सुबह के समय हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू महान है, महिमा और आदर के योग्य है, आज का दिन पवित्र है, परमेश्वर तूने हमको बचाया, तूने हमें श्रापों पापों से मुक्त किया और हमें अद्भुत आशीष दी, तेरी आशीष, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बना रहे परमेश्वर, हमारी बुद्धि खोलता रहे परमेश्वर, ताकि हम वो कोई काम ना करें जो तेरे विरुद्ध है, हम कोई ऐसा काम ना करें, हम कोई ऐसी बात ना करें, हम कोई ऐसी सेविकाई ना करें जो बाइबल नहीं कहती है, जो बाइबल नहीं कहती है, हम उस सेविकाई के द्वारा अपने जीवन को ना चलाएं। आजकल ऐसी सेविकाइयां हो रही हैं जो बाइबल के द्वारा नहीं कही गई हैं लोग, लेकिन प्रभु का नाम लेके उन सेविकाइयों को करते हैं और पैसा कमाते हैं। नहीं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के द्वारा, उन सेविकाइयों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलाना है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने कहे और जो परमेश्वर की इच्छा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।